इस कहानी में एक टीचर को अपने ही स्टूडेंट से प्यार हो जाता है और फिर वो उसी स्टूडेंट का घोड़ा अपनी गुफा में दौड़ाने के लिए सारी हदों को पार कर देती है। मूवी के स्टार्ट होते ही हम जिमी नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो अपनी क्लास टीचर को एक गिफ्ट देती है। एक्चुअल में वो टीचर प्रेग्नेंट थी और वो लंबी छुट्टियों के लिए घर जा रही थी। वो टीचर जिमी को बताती है, मेरी जगह पर एक नई टीचर मौली आने वाली है और वो भी बहुत अच्छी है। इसके बाद हम देखते हैं मौली उस कॉलेज में पहुँच जाती है जहाँ पर उस कॉलेज की प्रिंसिपल मौली को पूरा कॉलेज दिखाती है। तभी मौली की नज़र गेम खेल रहे डैनी पर पड़ती है। मौली को पहली नज़र में डैनी से प्यार होने लगा था, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि डैनी जिमी से प्यार करता है। कॉलेज के बाद जब जिमी अपने घर पर पहुंचती है तब उसकी मॉम बहुत ही परेशान थी क्योंकि जिमी के फादर कोई भी काम नहीं करते थे, जिसकी वजह से घर चलाने के लिए जिमी की मॉम को दो नौकरियां करनी पड़ रही थी। अगले दिन क्लास में मौली सभी लोगों से इंट्रोड्यूस करती है। इस टाइम भी मौली की नज़र डैनी से नहीं हट रही थी। क्लास खत्म होने के बाद मौली डैनी को एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए एडवाइस देती है क्योंकि मौली को डैनी की परफॉर्मेंस बहुत वीक लगी थी। डैनी उसकी बात मान जाता है और मौली से एक्स्ट्रा क्लास लेने लगता है। उसे पढ़ाते हुए मौली कहती है, अगर तुम्हें अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो तुम्हें कल से ही पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। एक्चुअल में मौली ये सब डैनी के करीब आने के लिए कर रही थी। डैनी कहता है कल से नहीं क्योंकि कल मेरी और जिमी की लव एनिवर्सरी है। ये सुनकर मौली को अच्छा नहीं लगता। इसके बाद डैनी वहाँ से जाने लगता है। तब मौली उससे उसका फ़ोन नंबर ले लेती है। घर आने के बाद भी मौली डैनी के ही बारे में सोच रही थी। फिर वो ये सोचने लगती है जिमी और डैनी को कैसे अलग किया जाए। अगले दिन उन दोनों की लव एनिवर्सरी खराब करने के लिए मौली जानबूझकर जिमी को सीग्रेट दे देती है। क्लास खत्म होने के बाद जिमी मौली से कहती है, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मुझे अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए अच्छे ग्रेड्स की ज़रूरत है जिससे मुझे स्कॉलरशिप मिल सके। मौली कहती है, अगर ये बात है तो तुम्हें कल ही ये असाइनमेंट दोबारा से पूरा करना होगा जिससे तुम्हारे ग्रेड अच्छे हो सकें। ये सुनकर जिमी मौली को उसकी एनिवर्सरी के बारे में बताती है। मौली कहती है, तुम्हारे लिए क्या ज़रूरी है, अच्छे ग्रेड्स लाना या एनिवर्सरी मनाना? इसके बाद जिमी वहाँ से चली जाती है और डैनी को ये सारी बात बताती है। वो आज रात के लिए डैनी से माफ़ी मांगती है और कहती है, मुझे अच्छे ग्रेड लाने के लिए ये असाइनमेंट पूरा करना ही होगा। डैनी अपसेट होकर वहाँ से चला जाता है। कुछ टाइम के बाद मौली डैनी के पास आती है और उसे अपने साथ डिनर करने के लिए कहती है। इसके बाद वो दोनों एक होटल में खाना खा रहे थे। मौली बातों ही बातों में डैनी से उसके प्यार भरी ज़िंदगी के बारे में पूछती है, जिस पर डैनी थोड़ा एम्बेरस होकर कहता है, अभी तक हम दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ है क्योंकि जिमी अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं मौली डैनी के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन डैनी उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। अगले दिन जिमी डैनी से पूछती है, कल रात तुम कहाँ थे? उसके पूछने पर जिमी उससे झूठ बोल देता है, मैं अपने दोस्तों के साथ था। डैनी का जवाब सुनकर जिमी को बहुत बुरा लगता है क्योंकि जिमी को डैनी के दोस्तों ने पहले ही बता दिया था कल रात वो हमारे साथ नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों शाम को एक पार्टी में जाते हैं। जिमी की ब्यूटी देखकर डैनी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और जिमी को एक कमरे में लाकर पटक देता है। फिर उसकी गुफा देखने लगता है। उसका औजार खड़ा हो रहा था लेकिन जिमी डैनी को बीच में ही रोककर उसका मूड खराब कर देती है। कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं दूसरी तरफ मौली खुद ही अपनी गाड़ी को खराब करके डैनी को ठीक करने के लिए बुला लेती है। डैनी मौली की गाड़ी को ठीक कर देता है लेकिन गाड़ी ठीक करने में उसके हाथ गंदे हो गए थे। फिर मौली उसके हाथ साफ करने के लिए उसे घर के अंदर ले जाती है। हाथ साफ करते हुए मौली फिर से डैनी के करीब आने की कोशिश करती है। डैनी इस बार मौली के रसीले आम देखकर खुद को रोक नहीं पाता और ये दोनों एक दूसरे के कपड़े फाड़कर प्यास बुझाने लगते हैं। एक्चुअल में आज तक जिमी ने डैनी को अपने करीब नहीं आने दिया था, जिसकी वजह से उसका औजार बहुत ही परेशान था और इस बार वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और अपना घोड़ा मौली की गुफा में दौड़ाता है। कुछ दिन के बाद मौली फिर से जिमी को सिगरेट देती है। उसे ये देखकर समझ में नहीं आता आखिर मौली उसे ही सिगरेट क्यों दे रही है जबकि उसने असाइनमेंट बहुत अच्छा किया है। जब वो क्लास के अंदर जाती है तब वो देखती है वहाँ पर बंद क्लास में मौली और डैनी अकेले थे। उन दोनों को इस तरह से देखकर जिमी को डैनी पर शक होने लगता है। एक दिन जिमी डैनी का पीछा करने लगती है और वो देखती है डैनी मौली के घर पर पहुंच गया है। जब डैनी घर के अंदर चला जाता है तब जिमी घर के अंदर देखने की कोशिश करती है। वो एक विंडो से देखती है जहां पर डैनी और मौली एक दूसरे की प्यास बुझा रहे थे। ये देखकर जिमी समझ जाती है डैनी उसे धोखा दे रहा है और वो रोते रोते वहां से भाग जाती है। डैनी ने भी जिमी को देख लिया था जिसके बाद वो मौली को उसी हालत में छोड़कर वहां से भागने लगता है। वो जिमी को रोककर उससे माफ़ी मांगने लगता है। वो कहता है, मैं कुछ दिनों के लिए बहक गया था लेकिन आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। उसकी प्यार भरी बातें सुनकर जिमी मान जाती है और उसे माफ़ कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं रात में डैनी अपने घर टीवी देख रहा था तभी उसे
मॉली का मैसेज आता है, लेकिन डैनी उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं करता और अगले दिन कॉलेज में भी इग्नोर करता है। ये देखकर मॉली परेशान हो जाती है और वो अब जिमी का सिगरेट हटाकर उसे एक ग्रेड दे देती है। ये देखकर जिमी उसे कहती है, तुम ऐसा मत समझना, तुम्हारे ऐसा करने से मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और अपने असाइनमेंट को डस्टबिन में फेंक देती है। कुछ टाइम के बाद डैनी जिमी से मिलकर कहता है कि मॉली मुझे बहुत परेशान करती है, मैं आज रात उससे मिलने जा रहा हूँ जिससे फेस टू फेस बात करके उससे सारे रिश्ते ख़त्म कर सकूँ। घर जाने के बाद डैनी मॉली को मैसेज करके उसे मिलने के लिए बुलाता है। डैनी का मैसेज देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसे लग रहा था डैनी अभी भी उसे पसंद करता है। जब वो उससे मिलने के लिए पहुँचती है तब डैनी उसे सारे रिश्ते ख़त्म करने की बात करता है। वो कहता है, मैं सिर्फ तुम्हारे रसीले आम देखकर बहक गया था, लेकिन प्यार तो मैं जिमी से ही करता हूँ। ये सुनकर मॉली बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और वो डैनी को मनाने की कोशिश करती है, लेकिन डैनी वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर मॉली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करके डैनी को कुचलकर मार देती है। फिर वो डैनी का खून जिमी की गाड़ी के बम्पर पर लगा देती है और अपना खून जिमी की गाड़ी में रख देती है, जिससे डैनी की मौत का पूरा शक जिमी के ऊपर जाए। फिर वो मूवी देखने के लिए जाती है और मूवी की टिकट को अपने पास संभाल कर रखती है जिससे वो पुलिस से बच सके। अगले दिन हम देखते हैं मॉली ऑनलाइन एक मैकेनिक को ढूंढती है और उसे काफ़ी सारे पैसे देकर अपनी गाड़ी ठीक करवाती है और उसे चुप रहने के लिए भी बोलती है। दूसरी तरफ पुलिस डैनी की मौत का पता लगाने में जुट जाती है। जब जिमी को डैनी की मौत के बारे में पता चलता है तब वो भागकर पुलिस स्टेशन जाती है। उनके पूछने पर जिमी उन्हें बताती है, मुझे अपनी क्लास टीचर पर शक है क्योंकि कुछ दिनों से मॉली और डैनी का चक्कर चल रहा था और कल रात डैनी मॉली से मिलकर सब कुछ खत्म करने की बात कर रहा था। जिमी की बात सुनकर पुलिस मॉली से पूछताछ करने के लिए उसके घर आती है, जहाँ पर मॉली उन्हें बताती है, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, डैनी सिर्फ मेरा एक अच्छा स्टूडेंट था। और साथ ही वो उन्हें मूवी का टिकट भी दिखाती है। मॉली का बिना घबराए बात करना और पुलिस को टिकट दिखाना उसे बेगुनाह साबित कर रहा था और मॉली उन्हें ये भी बताती है उसका फ़ोन चोरी हो गया है। इसके बाद हम देखते हैं पुलिस शक के आधार पर जिमी के घर की तलाशी लेने लगती है। जब वो जिमी की गाड़ी चेक करती तब उन्हें गाड़ी के बम्पर पर डैनी का खून नज़र आता है। फिर उन्हें जिमी की गाड़ी से मॉली का फ़ोन भी मिल जाता है जिसमें डैनी से मिलने का मैसेज भी था। ये सब देखकर पुलिस जिमी को अरेस्ट कर लेती है। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं जिमी के पेरेंट्स उसे बेल पर रिहा करवा लेते हैं। जिमी अपनी मॉम को बताती है, मुझे पूरा यकीन है डैनी का मर्डर मॉली ने ही किया है। इसके बाद हम देखते हैं जिमी की मॉम कॉलेज में जाकर मॉली के बैग से उसकी गाड़ी की चाबी निकाल लेती है। जब वो उसकी गाड़ी की तलाशी ले रही थी तब उसे मैकेनिक का पता चल जाता है। वो मैकेनिक के पास जाकर उससे पूछताछ करने लगती है। वो मैकेनिक साफ साफ मना कर देता है, मेरे पास कोई भी औरत ना ही कोई गाड़ी आई है। ये सुनकर जिमी की मॉम परेशान हो जाती है। तभी उसके पास उस मैकेनिक की एम्प्लॉय आती है और वो उसे सारा सच बता देती है कि कैसे मॉली ने बहुत ज़्यादा पैसे देकर अपनी गाड़ी ठीक करवाई है। वो अभी तो सारा सच बता देती है लेकिन पुलिस के सामने सच बोलने से मना करती है। इसके बाद जिमी की मॉम जब घर पर आती है तब वो अपने हस्बैंड को सब कुछ बता देती है और जिमी भी उसकी बातें सुन लेती है। इसके बाद जिमी मॉली के घर पर जाने की बात करती है लेकिन उसकी मॉम उसे मना करती है कि तुम्हारे पैर में ट्रैकर लगा हुआ है और तुम वहाँ पर नहीं जा सकती। ये ट्रैकर पुलिस ने लगाया हुआ था जिससे जिमी कहीं पर भाग ना सके। इसके बाद हम देखते हैं जब जिमी के पेरेंट्स सो जाते हैं तब वो अपनी मॉम का फ़ोन और गाड़ी लेकर मॉली के घर की तरफ निकल जाती है। मॉली के घर पर पहुंचकर वो अपने फ़ोन में रिकॉर्डिंग मोड ऑन कर देती है जिससे वो जब मॉली से सच्चाई उगलवाए तो सब कुछ रिकॉर्ड हो जाए, लेकिन उसका ये प्लान फेल हो जाता है और वो पकड़ी जाती है। इसके बाद वो मॉली को गुस्सा दिलाने लगती है। जिमी उसे सूखी गुफा और पिचके हुए आम बोलती है। ये सब सुनकर मॉली को गुस्सा आने लगता है और वो सच बोलने लगती है, मैंने ही डैनी को मारा था, अब मैं तुम्हें भी मार डालूंगी। इसके बाद वो जैसे ही चाकू उठाकर उसे मारने की कोशिश करती है तभी वहाँ पर पुलिस आकर मॉली को पकड़ लेती है। एक्चुअल में जिमी जैसे ही अपने घर से बाहर निकली थी तभी पुलिस ने उसे ट्रैक करना शुरू कर दिया था। वो पुलिस वाला जैसे ही मॉली को अरेस्ट करता है लेकिन उससे पहले ही मॉली उसे मार कर वहाँ से भाग जाती है। फिर जिमी पुलिस वाले से उसकी गन निकाल कर मॉली को रोक लेती है। तभी वहाँ पर बाकी की फोर्स भी आ जाती है। पुलिस मॉली को अरेस्ट कर लेती है और जिमी को छोड़ देती है। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।